और गाइज म्यूजियम के लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा, 22 रुपए का टिकट मिलता है। मैं तो आज ये वाली गन तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ। इतना बड़ा बंदूक मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, शायद आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। 8 फुट का है यार, 8 फुट 9 फुट का है, ये कैसे चलाते होंगे लोग। और गाइस ये वही रूम है जिस रूम में खिलजी आके यहाँ से वेट कर रहा था पद्मावती को देखने के लिए। गाइस 1303 में और यही है रानी पद्मावती का मूर्ति। गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप मस्त हो गए, मजे में हो गए और होने भी चाहिए। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 5 कितने बज रहे हैं, 5 गाइस 5 बज रहे हैं सुबह के और हम सब रेडी हो चुके हैं कहीं जाने के लिए। वो आप लोगों को सरप्राइज रहेगा और बहुत ही मस्त जगह जा रहे हैं। तो ये अगले चार या 5 दिन तक आप लोग बहुत ही मस्ती करने वाले हो मेरे ब्लॉग को देख के। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और हमारा भी सरप्राइज है, आपका भी सरप्राइज है, फ्रेंड्स लोग को भी सरप्राइज दिया जा रहा है कि आपको भी सरप्राइज मिलेगा। बट हम गाइड है गाइस, गाइड घुमाएंगे आज पूरी रात पूरे दिन। सभी लोग गाड़ी में आ चुका है और ये गुलाब आपके लिए। तो प्रिंस बुआ कुछ कहना चाहोगे हमारे ऑडियंस, हमारे फैमिली को? हाँ कहना चाहूंगी क्योंकि दिव्यांशु बहुत अलहदी हो गया। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। गाइस फिर से एक लंबे सफर पे, बहुत ही लंबा सफर है ये, और ये अपने सोसाइटी से हम लोग बाहर जा रहे हैं। ठीक है अब मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ गाइस। तो गाइस हमारे गाड़ी को भूख ही लग गई और इसके टंकी में एकदम पेट्रोल फुल किया जा रहा है। गाइस कम से कम ये पिएगी कम से कम 10-15 लीटर तो पिएगी। नहीं गाइस हमारी कार 20 लीटर पेट्रोल पी गई। गाइस 20 लीटर बहुत प्यासी था, बहुत प्यासी है यार बुआ। 20 लीटर पिएगी मैंने। सो गाइस फाइनली पहुंच गए चित्तौड़गढ़ किला और वो रहा हमारे सामने वो जो पहाड़ आप लोगों को दिख रहा है, पेड़ पौधे आ गए यार। वो जो आप लोगों को पहाड़ दिख रहा है हम लोग को उसी के ऊपर जाना है। देखो सामने से दिख रहा है किला, उसी पहाड़ पे जाना है, वही है चित्तौड़गढ़ और वहीं पे रानी पद्मावती जी का हुआ था, मतलब जितना भी महल वहल बोलो स्टोरी आप लोगों को पता होगा ही, नहीं पता तो मैं बताऊंगा बट किले पे पहुंचने के बाद। सो गाइस यहाँ से आप लोगों को किला दिख रहा है, हम लोग एंट्री गेट पे आ चुके हैं। अब बुआ बताएंगी थोड़ा, बुआ आगे से बताओ आप। हाँ तो गाइस हम बस अभी आ रहा है एक नदी, गंभीरी रिवर आने वाला है, गंभीरी रिवर। ये देखिए ये रहा सामने किला, व्हाट अ व्यू। ये देखिए और ये नदी गंभीरी नदी कितनी गंदी है छी। यार इतना ऊंचा कैसे बनाया होगा ये लोग। ये आ गए हम एंट्री, नहीं नहीं ये किले की एंट्री है, किले के अंदर हम पहुंच गए, अब हमें जाना है ऊपर। ऊपर मीन्स वो वाला ऊपर नहीं, किले के ऊपर। सो गाइस फाइनली किले के अंदर एंट्री हो चुके हैं हम लोग, अब टिकट लेने जा रहे हैं। सो गाइस किला का मैप, यहाँ भी हम लोग यहाँ पे आई थिंक यहाँ से गोल घूम के जाना है, चारों तरफ का भी आपको दिखाएंगे। ये छोटा सा मैप है, बहुत ही बड़ा किला है। गाइस यहाँ से आप लोग देख सकते हो किले के ऊपर मैं अभी आ चुका हूँ, हम लोग इधर से आ रहे हैं, बहुत ही बड़ा किला, यहाँ से पूरी सिटी दिख रही है यार, बहुत ही खतरनाक व्यू। यहाँ से आप लोग को मैं अपने कैमरे के जरिए दिखा रहा हूँ, हम लोग आए हैं इधर से
गोल गोल घूम के यार, बहुत ही खतरनाक है। टूरिस्ट गाइड तो गजब का ले रहा है यार, हर दो मिनट में रोक दे रहा है कि यहाँ पे ये, यहाँ पे रुक जाइए गाइड साहब। पहला किला जो है एंट्रेंस गेट है, यहाँ पे अंदर ले रहे हैं। आइए आपको मैं इसके हिस्ट्री बताता हूँ। गाइस ये तो पूरा खंडहर हो चुका है। बुआ कौन सा जगह है? पता नहीं। गाइस ये स्विमिंग पूल हुआ करता होगा, गंगा, यहीं पे लोग नहाते होंगे। पीछे से जाने का रास्ता। गाइस गुफा, गुफा गाइस गुफा देखना, गिरना मत। गाइस जो वो गुफा था ना, वो इधर से निकलता, मतलब अंदर से है यार, कुछ नहाने बाथिंग वाला ही है लग रहा है हमें तो। इधर भी वही है, और ये किला के दूसरी साइड भी निकल जाते हैं, मतलब उधर से एंट्री लो और इधर से निकल जा ये दूसरा। गाइस ये जो महल आपको दिख रहा है ना, राणा कुंभा मतलब बनाए हुए थे, और इसी में वो रहते थे, मतलब रहते नहीं थे, उनका एक तरह से कुछ पैलेस होगा। और जाने का रास्ता देखो यार, इस गजब खतरनाक खतरनाक है। ये देखो सब खंडहर हो चुका है यार, सच में बहुत खंडहर हो चुका है। गाइस आप लोगों ने भी सुना होगा ये स्तंभ, ये राणा कुंभा ने बनवाया था जब वो बहुत सारे जगह से जीत के आए थे, तब ये नौ तालाब, यहाँ पे भी हम लोग जाएंगे। ये है खिड़की झरोखा, और यहाँ से सभी लोग मतलब बहुत एक बार खाइए भाई, बहुत खा रही है। कोई नहीं गाइस, मेरा तो वीडियो बन गया, मैं चलता हूँ। यही है चित्तौड़ का किला, मतलब ये तो राणा कुंभ जो रहते थे ना उनका है। जब ये होता होगा तो बहुत खतरनाक मतलब लगता होगा, तो पूरा खंडहर हो चुका है। अभी उधर जाना है गाइस, बहुत ही बड़ा है, मतलब कुछ भी बोलो बहुत बड़ा है। हम लोग अभी स्टार्टिंग है, फर्स्ट महल ही है, पता नहीं इसमें कितने सारे महल होंगे। गाइस ये लुक चेक करो, कितना प्यारा है ना। सो गाइस ये हमारी बुआ है, ये हम है, और यहाँ पे हमारी प्रिंस है, और यहाँ पे हम लोग चित्तौड़ का किला घूम रहे हैं। चित्तौड़ का किला खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गाइस बहुत ही मस्त मतलब लग रहा है, इतना मजा आ रहा है ना। चित्तौड़गढ़ का ये किला है, रानी पद्मावती का तो आपने नाम सुना ही होगा, ये वही किला है। आज से मतलब हजारों नहीं 200-300 साल पहले लोगों ने यहाँ पे जोहर किया था। 16,000 दासियों के साथ रानी पद्मावती जी जोहर की थी, खिलजी आया था, आक्रमण किया था, भी वो वाला भी लेके चलेंगे। यह पूरा एरिया 7 एकड़ में है, समझ रहे हो, 7 एकड़, यानी मैं आपको बताऊं ना, अभी बताता हूँ आपको, दिख 700 एकड़, मतलब ये पूरा जितना पहाड़ दिख रहा है ना, पूरा उन्हीं का है भाई, वहाँ से लेके और ख़त्म मतलब उधर है, बहुत दूर है। अभी तो हम लोग स्टार्टअप किए हैं, राजाओं ने बहुत तगड़ी तगड़ी चीज बनाई होगी। देखो ये एकदम छोटा सा लग रहा है ना, लेकिन इसके अंदर गुफा है भाई, गुफा बहुत खतरनाक वाली, मेरे को तो डर लग रहा है यार, बहुत खतरनाक गुफा है। पानी भी रखा है भाई, पूरी खतरनाक वाली। बुआ क्या? बहुत खतरनाक वाला गुफा है यार, अंदर तक है, बहुत अंदर तक पानी जैसा जमा हुआ है भाई, मैं नहीं जा। और ये गुफा बोल रहा है लोग ना कि डायरेक्ट किले के अंदर, महल के अंदर। वो तोता बोल रहा है कि कोई आ गया, कोई आ गया, कोई आ गया। गाइस अभी मुझे पता चल रहा कि ये सैनिक लोगों के रहने के लिए है। असली महल वो व्हाइट वाला दिख रहा है, वो अंदर होगा, वही होगा शायद, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि वो भी ना हो, दूर चल के हो। अभी हम लोग आ गए मीराबाई का मंदिर में, जो यहाँ पे मीराबाई थी वो यहाँ पे पूजा करती थी, ऐसा यहाँ के अभी लोगों ने बताया। और बहुत भीड़ है यार, मेरे को लगा कम ही लोग हैं। था वो मंदिर, अंदर कैमरा मना था इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। कृष्ण भगवान और मीराबाई का यहीं पे था, और चलते हैं, राधा कृष्ण का था मंदिर, चलते हैं यहाँ से दूसरे किला की तरफ। और उधर भी एक मंदिर ही है, और यहाँ पे बच्चे बहुत आए हैं यार, टूरिस्ट।
गाइस लंगूर भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो गाइस ये वही जगह है जो मैं आप लोग को बता रहा था कि जैसे जैसे मतलब यहाँ के राजाओं ने जीते थे किले, मतलब लड़ाइयाँ लड़ी, वैसे वैसे फ्लोर बाई फ्लोर मतलब फ्लोर बाई फ्लोर बनाते गए। ये 9 तल्ला यानी 9 बार उन लोगों ने जीते हैं। देख सकते गाइस बहुत ही भयंकर ये युद्ध, जैसे जैसे युद्ध होता है ना मतलब उस टाइप का ये बनाते गए। ऊपर पहली बार हुआ, फर्स्ट बना है। गाइस इस पिलर में भी अपने आप में एक कहानी है जो कि आप लोगों को आगे यूट्यूब पे अगर सर्च करो चित्तौड़ का किला के बारे में तो आपको पूरा बता देगा हिस्ट्री। मैं अभी वो बताने लगा तो बहुत बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये। और ये यहाँ पे लंगूर बहुत सारे हैं यार, बहुत ज़्यादा लंगूर है, डर भी लग रहा है। यहाँ से देखो कितना मस्त लग रहा है वेदर, सनशाइन। 1490 में बना है और उस जमाने में 90 लाख रुपए लगा था। और आप सोच सकते हो इस जमाने में 90 करोड़ के बराबर होगा। और अंदर से सीढ़ी है गाइस, पूरी सीढ़ी, मतलब इस पे ऊपर भी जा सकते हैं ऐसा बोल रहे हैं अगर टूरिस्ट गाइड की। मतलब कोरोना जब से आया तो बंद कर दिया गया, नहीं तो इसके ऊपर भी जाने का था, सीढ़ी है। चलो गाइस ये बता रहा था, मैंने इसे सुन लिया। जोहर कुंड पद्मावती मूवी आप लोगों ने भी देखा होगा, ये वही जगह है। आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। और मैं आपको बता दूँ कि ये वही जगह है। अभी तो यहाँ के लोगों ने मतलब राजाओं ने जैसे जैसे टाइम वेस्ट हुआ, टाइम बीतते गया, इस जगह को गार्डन के रूप में बना दिया। बट यहाँ अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वही कुंड है जो ये पार्क नहीं हुआ करता था। यहीं पे वो जितने भी रानियाँ थी जोहर की थी। और ये वहीं छोटा सा एक बनाया गया है, इसको क्या बोलते बुआ, कुंड। सो गाइस ये वहीं तालाब है जहाँ पे रानी आती थी, नहाती थी। और यहाँ पे ना एक शिव जी का मंदिर भी है जो कि अंदर वो पानी के अंदर ढक गया। चलो पास चलते हैं। गाइस ये वही कुंड है जहाँ पे लोग नहाते थे, मतलब रानियाँ यहाँ पे नहाया करती थी। बहुत गहरा है और आज तक यहाँ पे पता नहीं चला कि मतलब ये बारिश का पानी कलेक्ट होता है अगर एक तरह से बोलते। और ये वो मंदिर है, यहाँ पे एक मंदिर है जो जब रानी यहाँ पे आके पूजा कर किया करती थी। शिव जी का मंदिर है, बहुत तगड़ा भाई। सारे कॉलेज स्कूल के सारे बच्चे आए हैं, पता नहीं हम लोग कब आएंगे। देखो गाइस ये वही मंदिर है, उधर से जाने का रास्ता है इस मंदिर पे। आएंगे हम लोग भी, आएंगे उधर से गोल घूम के आना है गाइस, बहुत तगड़ा है यार। छोटी छोटी खिड़कियां हैं यहाँ से देखने के लिए। और ना ये जो है ना यहाँ से तेल डाला जाता था, गरम तेल, अगर सैनिक किले के द्वार से हमले करते थे तो। देखो ये जितने भी है ना तेल वाले हैं भाई, इसमें गरम उबलता तेल डाल दिया जाता ताकि कोई अंदर इधर से हमले ना कर पाए। लेकिन मेरे को यार सोचने वाले बात, इतना ऊंचाई पे यहाँ पे तो लोग चढ़ ही नहीं पाते होंगे यार। पर फिर भी नहीं, पता नहीं उस जमाने में भी तो कुछ होते होंगे धुलंधर। गाइस देख रहे हो तेल, गरम उबलता तेल डाल देते थे ये छोटे छोटे, आप लोग को दिख रहा है ना, बनाया ही गया है वैसा, बहुत खतरनाक है। गाइस चलते हैं ऊपर। और यहाँ पे एक मंदिर है जैसा कि मैंने भी बताया, सब लोग पेंटिंग कर रहे हैं गाइस, आर्टिस्ट। चलो गाइस बहुत खड़ी सीढ़ी भी बहुत खड़ी है, बट कोई नहीं, वो लोग तो आए ही नहीं, ऊपर के ऊपर ही रह गए। गाइस सन 1303 में, और यही है रानी पद्मावती का मूर्ति। गाइस भोलेनाथ का मंदिर जो कि पानी के अंदर है, और वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं यार, लिटरली मछलियाँ। गौमुख कुंड, और ये इसलिए गौमुख कुंड बोला जाता है क्योंकि ये गाय जैसा बना हुआ है, उसी से पानी गिरता है मतलब नॉन स्टॉक, और वो बारिश का ही पानी रहता है सारा, इसलिए इसका नाम गौमुख कुंड भी रखा गया। यही है गौमुख कुंड, गाय जैसे ही बनी हुई ना, इसी से पानी आता है इसलिए गौमुख कुंड इसका नाम है। यहाँ पे था शिव जी का मंदिर, और ये अंदर से गुफा गया है जो कि डायरेक्ट महल से कनेक्टेड है, और अब वो बंद कर दिया गया, लेकिन अभी भी थोड़े थोड़े पॉइंट्स दिखते हैं। और डायरेक्ट पद्मावती जी आती थी यहाँ से गुफा के रास्ते, और जल चढ़ा के भोलेनाथ का पूजा करके, और ये तालाब हुआ करता था उस टाइम पे, मतलब साफ ही होता होगा यार पूरा, तो उस टाइम पे आती थी स्नान करके तालाब से और पूजा करके, फिर यहीं गुफे के रास्ते निकल जाती थी।
यहाँ पे एक और चीज़ है, किले के हर कॉर्नर पे मतलब दीवार पे ये आप लोग को मिल रहा है। यहाँ ये किस लिए, तीर तलवार मतलब कुछ भी मारने के लिए, जैसे यहाँ पे अटैक हुआ यहीं से तेल फेंक देते थे, गरम कोयले वोयले, फिर तीर से भी निशाना करते थे। हर जगह है, हर पॉइंट पे है। मैं यहाँ का आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। ये चित्रांगण मौर्य ने बनाया था, 90 लाख रुपया लगा था उस टाइम में बनवाने में। और यहीं पे है जोहर कुंड, जो कि पहले खुला हुआ करता था लेकिन अब बंद कर दिया गया, ठीक है। और इधर मंदिर है एक, जो कि आप लोगों ने भी देखा। और उधर ही से गुफा है, अंदर ही अंदर रानी महल के अंदर चली जाती थी, बहुत ही खतरनाक। और ये जोहर कुंड रहता था, और उधर भी जंगल है। अभी चलते हैं उधर के किले वाले में, उधर भी एक किला है, ये लोग फोटो सेशन कर रहे हैं। गाइस घूमने वाली जगह है, कॉलेज से भी आ सकते हैं, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, मतलब फुल मस्ती वाला है। और बंदरों का मस्ती तो भाई पूछो ही मत, ये देखो बंदरों की मस्ती भाई। ये है पद्मावती महल, यहीं पे खिलजी को दिखाया गया। गाइस यहीं पे अलाउद्दीन खिलजी को इस रूम में खड़ा किया गया था, और 90 डिग्री का सन आया था, उसमें शीशा है जो वहाँ पे अभी लेके चलता हूँ मैं आपको। आ जाओ गाइस, चलिए वहाँ पे ले चलता हूँ आपको, जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती जी को दिखाने के लिए लेके जाया गया था। बहुत पुराना लग रहा है, ये नया फिर से बनाया गया है, पूरा नहीं है भाई जी, तो घोड़ा वाला लग रहा है, अस्तबल नहीं है इसमें। अच्छा, ओह माय गॉड गाइस, अभी वो रूम आपको दिखाया जाएगा, इधर कुछ है ही नहीं। आ जाओ मैं आपको वो खिलजी वाले जगह पे लेके चलता हूँ। गाइस ये वही रूम है जिस रूम में खिलजी आके यहाँ से वेट कर रहा था पद्मावती को देखने के लिए। गाइस ये वही जगह है जहाँ पे खिलजी आके पद्मावती को देखने की कोशिश किया था। और आप सबको हिस्ट्री पता है, और अगर नहीं पता तो पद्मावती मूवी देख लो यार, उसमें पूरा बताया गया है। और वैसा सच में हुआ था, और शीशा भी फोड़ दिया गया जैसा कि आप लोगों ने भी देखा। चलो इधर चलते हैं। गाइस आपको यहाँ से 700 एकड़ का जो भी ये किला है, बहुत बड़ा है यार, चित्तौड़गढ़ किला। गाइस अब बताता हूँ मैं अच्छे से पूरी स्टोरी क्या हुई थी। वहाँ पे रानी पद्मावती जी बैठी हुई थी, और उस वाले रूम में खिलजी को खड़ा किया गया था। और शीशा जो मैं कल दिखाया, उस शीशे से देखना था उनको 90 डिग्री की तरह से, तो उसके अनुसार अगर वो थोड़ा भी हिलते तो उनके गर्दन धड़ से अलग हो जाते, और वहीं पे पद्मावती। यार ये मूवी मतलब बहुत खतरनाक हुआ करता था उस टाइम। भाई सोच सकते हो, वो हवा महल है, वो इसलिए हवा महल बोलते थे शायद, क्योंकि ठंडक रहती थी, पानी वो बीचों बीच में है तो ठंडक रहेगी यार। और यहाँ का जो टेम्परेचर है आपको भी पता है उस टाइम पे कितना हुआ करता था, इसलिए हमको भी लगता है कि हुआ करता होगा ऐसा। तो बुआ कैसा लगा, मजा है? अभी गाइस मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे लड़ाई हुई थी उस प्लॉट पे, वहाँ भी जाने में बहुत खतरनाक मजा आने वाला है। चित्तौड़गढ़ का म्यूजियम, ठीक है, देखते हैं इसके अंदर कैमरा अलाउ तो नहीं करता होगा यार, क्योंकि सब तलवार जितने भी मतलब होंगे उस टाइम के अस्त्र वस्त्र जो भी शस्त्र यहीं पे रखे होंगे लोग। और इसके जस्ट पीछे जो वो किला आप लोग को दिख रहा है, उधर से शायद युद्ध स्थल दिखेगा, हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे अभी तुरंत। और चलिए देखते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। और गाइस म्यूजियम के लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा, 22 रुपये का टिकट मिलता है, फिर आप म्यूजियम यहाँ का देखेंगे। और म्यूजियम में सब कुछ दिखता है भाई, क्योंकि सब एक जगह पे रखते हैं ना, जितने भी अस्त्र शस्त्र रहते हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे तो अलग से आपको टिकट लेना पड़ेगा, 22 रुपये टिकट लेना है, फिर चलते हैं अंदर। तो यही थे राजाओं, और ये पूरा महल जो बना हुआ है उस पर बना हुआ है। गाइस अभी हम लोग इस महल में पैलेस में देख सकते हैं। यह है उदयपुर का सिटी पैलेस, जो कि हम लोग कल देखेंगे और आपको परसों देखने को मिलेगा। ये महाराणा पाक कुंभा, ये तो अभी देखा, और ये घोड़े का बादल घोड़ा था। हाँ गाइस, घोड़े के नाम पे भी जमीन लिखा रहा है, और एक हम लोग का कि सलाह कोई सटीक नहीं है। ये गाइस अब है असली युद्ध का, जो भी सामान रखा हुआ है म्यूजियम में वो सब देखने को मिलेगा। मैं आपको अपने कैमरे के थ्रू दिखाऊंगा गाइस, बहुत ही मस्त है। ये देखो गाइस, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्या है ये बुआ, ये क्या है बुआ, ये क्या है, पत्थर, हथियार नहीं है, पत्थर है भाई, स्टोन टूल से भाई, यानी इसके भी मारने के अजीबो तरीके होंगे, क्या पता यार, मुझे तो पत्थर लग रहा है, मैं तो पत्थर ही बोलूंगा गाइस, मैं पत्थर ही बोलूंगा, ये भी पत्थर ही है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बोल सकता। ये स्टोन टूल्स बोलते हैं अलग अलग, मतलब इनको पकड़ के फेंकने का तरीका होता होगा ना, इसलिए इनको स्टोन टूल्स बोलते हैं। 27164 बहुत पुराना पत्थर है गाइस। यहाँ पे रखे हुए हैं भाला, जो कि उस समय के
और गाइस ये देखो, इसे पहनने के बाद तीर अंदर नहीं जाती होगी शायद। इधर भी भाला रखा हुआ है, उस टाइम के तलवार भाई साहब। इधर भी रखे हुए तो कुल्हाड़ियां हैं और इधर भी कुछ रखे हुए यार, बहुत मस्त मस्त चीज है। ये भी तलवार है भाई, ये सब तो मिल जाएंगी अभी, लेकिन ये सब नहीं मिलेंगी। ये हथियार हनुमान जी वाला गदा, तलवार की तरह गजा है। ये ऐसे जाता होगा, गर्दन पे लगता होगा, खींचता होगा तो पूरा गर्दन आ जाता होगा। ये तो अजीब तरीके के तलवार से, ये कैसा तलवार है? हमको लगता है ना कि ये जो गुंबद देखा उसके अंदर से होगा, नहीं अंदर से है। ये वाला देखिए ना, ये भी तलवार ही है, पतला सा निकला हुआ है। गाइस ये तलवार कवर के साथ वाला, हाँ वो खिलजी का जो था ना वही वाला है, वो उसके साथ का ही है। गाइस इसके बाद बंदूकें भी तो आई थी, हम लोग कैसे भूल सकते हैं। ये देखो इधर भी बंदूकें, पुराने पुराने जमाने वाली। उरी बाबर, ये कितना बड़ा बंदूक है, महाराणा प्रताप ये बनाया हुआ है। ये कितना बड़ा बंदूक है, इसको चलाने के लिए 2-3 लोग लगते थे। ये वो वाली गन है यार, बहुत खतरनाक है, रेंज इसकी बहुत ज्यादा होगी। इधर भी रखा हुआ है और ये हमारे महाराणा प्रताप का मूर्ति बनाया हुआ है, जो कि हम लोग कल इनके यहाँ जाएंगे। और इधर भी बंदूकें रखी हुई हैं, इधर भी बंदूकें हैं। ये सब तो अभी वाली लग रही हैं क्योंकि इसमें गोलियां वाली हैं। और ये तलवार पूरा सेट, ये देखो गाइस, ये गन बम वाला लग रहा है गन। ये बंदूक की नाल है गाइस, सिर्फ नाल, बहुत खतरनाक है। इस गन भी हुआ करती थी भाई, मैं तो आज ये वाली गन तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ। इतना बड़ा बंदूक मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, शायद आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। 8 फुट का है यार, 8 फुट 9 फुट का है ये, कैसे चलाते होंगे लोग। और ट्रिगर एकदम छोटा सा है, खींचो और मारो बस। गाइस उस जमाने के पिस्टल, अरे ये तो ये अंग्रेजों वाले जमाने वाला है, हाँ वो अंग्रेज का जमाने, उसमें बारूद भरो और मारो। और ये सब तो गाइस, ये तो वो रियल वाली है भाई, वो जो छोटे छोटे पुलिस रखते थे वो वाली है, बहुत छोटे यार। निकाल लो क्या, एक दो आप लोग बोलो तो शीशा निकालता हूँ, एक निकाल के लेके चलते हैं घर पे मस्त। ये वाला तो लेके जा ही सकते हैं गाइस, गाइस आप लोग बोलो तो। ये नाल, गन का नाल है गाइस, ये तलवारें, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। और ये बारूद के लिए पोटली, और कितने बार इसमें भी आग लग जाता था उन लोगों का। ये तो बीच वाला शंख है ना, ये शंख है ना मछली गाइस, बहुत खतरनाक खतरनाक चीज हुआ करते थे पहले के जमाने में। गाइस कटारा है, इसको पकड़ो, घुसाओ, निकालो। ये कितना शार्प है, अभी भी देख सकते हैं। हाँ और ये तो कुल्हाड़ियाँ और गाड़ियाँ, ये गाइस खतरनाक चीज़ है यार, दो मिल जाए तो पूरा संसार खत्म कर दो। गाइस लास्ट पीस बचा हुआ है उस जमाने के, मतलब लोहे के होते थे यार इन लोग के कपड़े, पूरे लोहे के ही हैं कपड़े ये तो। ये पहन के वो लोग लड़ाई करने जाते थे ताकि उसमें तलवार ना लगे, और लगे तो बच सके गाइस। ये इन लोग का जब कपड़ा है, कवर है गाइस, ये पूरा लोग का सेट है यार, पूरा लड़ने के वजह से। जब लड़ने जाते होंगे तब नाक, यहाँ तक कि मुंह पे भी आ जाता था भाई, बस आँख दिखता था इन लोगों का, खतरनाक चीज़ है बहुत। ये रखे हैं आज भी उन जवानों के हेड हेलमेट, बहुत पुराने भाई, अब तो ये लोग आएंगे पहन के तो एक गोली में उड़ जाएंगे, तो पता भी नहीं चलेगा। ये भी मुकुट वाला है गाइस। ये किला में एंटर होने के लिए 5 जो द्वार बने हुए थे आज भी वो हैं, लेकिन अभी नहीं है, बस ये है, इसके अंदर का गेट हटा दिया गया है गाइस, बहुत खतरनाक खतरनाक चीज़ें हैं। ये पूरा हिस्ट्री अगर आप लोगों को पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो गाइस। इधर भी है, इधर भी है, हर किले का निर्माण होने के बाद कुछ ना कुछ इसमें रखा गया है। गाइस मैंने जैसा कि आप लोगों को दिखाया था, तो ये 305 हेक्टर में, ये वही जगह है जहाँ पे पानी के नीचे गए थे हम लोग और उस जगह पे फोटो भी क्लिक करवाई थी। और अभी है 268 हेक्टर में, यहाँ पे हम लोग नहीं गए, यहाँ पे अभी जाना है हम लोगों को। और यहाँ 120 इस जगह पे भी नहीं गए हम लोग। गाइस म्यूजियम घूम लिया, अब वो घड़ी आ गई जहाँ पे लड़ाई हुई थी, वो देखने जरूरी है ना गाइस। आइए आपको मैं दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पे लड़ाई हुई थी, और आज के टाइम पे वहाँ पे खेती होती है। जी हाँ खेती,
चलो चलते हैं। ये तो मंदिर है गाइस, इधर से जाने का नहीं रास्ता, जैन मंदिर। यही है वो जगह जहाँ पे खिलजी 6 महीने तक रुका था, और यही वो पहाड़ है जिसको बोलते हैं कुंभकर्ण पहाड़। अगर आप सर्च करोगे तो मिलेगा, इसी नाम से वो जाना जाता है। क्योंकि देखो यहाँ पे इसका सर ये, और ये इसका पेट, और उधर पैर, ऐसा बोला जाता है। और अब ये पूरा खेती होती है गाइस इधर, और उस टाइम पे खेती होती नहीं होती थी। बोला जाता है कि उस कोने या फिर इस कोने में खिलजी 6 महीने तक रुका हुआ था, इंतजार में 6 महीने बिता दिए थे बस। हाँ तो गाइस बस आज का ब्लॉग इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बुआ क्या करें, इस वीडियो को लाइक करें, पर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, और प्रिंस लाइक कर दे, दबा के मतलब शेयर करे। ठीक है गाइस, समझ गए यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मार दो और शेयर कर दो अपने दोस्त में। अगर आपको भी चित्तौड़ का ये किला घूमना है ना तो मुझे कांटेक्ट करो, मैं लेके आऊंगा आपको। मारो धक्का गाइस, इधर धक्का मार दी तो मैं बच गया, अगर इसके जस्ट अपोजिट मारती ना तो पैर हाथ तो तोड़ना टूटता ही भाई, टूट ही जाता जैसे इसके पैर हाथ टूटने वाले। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है, बाय।